हेलो फ्रेंड, द किलियन पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2018 में शाहरुख खान की जीरो मूवी आई थी, उसके बाद से लगभग अब ये 2 साल हो गया है उनकी कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, और ये कोविड-19 के चक्कर में ये साल भी कोई मूवी रिलीज होते हुए नहीं दिख रही है। तो शाहरुख खान फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि 2021 और 2022 में उनकी काफ़ी मूवीज आने वाली है, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। तो आइए दोस्तों, इन सब मूवीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है शाहरुख खान, सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वार मूवी बनाया था उनके साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। यह यशराज बैनर प्रोडक्शन में बनने वाली मूवी है, और कहा जा रहा है इसमें दीपिका पादुकोण भी होंगे। तो ये एक बहुत प्लीजेंट न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस के बाद हम शाहरुख खान और दीपिका को फिर से एक साथ देख पाएंगे। उनकी जोड़ी कमाल की थी, तो हम होप कर सकते हैं कि ये भी अगर मूवी में रहे तो बहुत अच्छी बनेगी। और कहीं से एक र्यूमर है या पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है, वार मूवी के बाद यशराज बैनर्स ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद पे, और कहीं ये धूम 4 का तो नहीं है ऐसा कुछ? ये र्यूमर है, मुझे तो ठीक से मालूम नहीं, बट कहीं ये धूम 4 तो नहीं है? ये लिस्ट में जो मुझे लगता है सबसे बड़ा नाम है वो है कि शाहरुख खान राजकुमार हिरानी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। राजकुमार हिरानी के बारे में तो दोस्तों आप जानते हैं, उनकी सारी की सारी मूवी ब्लॉकबस्टर ही मूवी रही है। आप 3 इडियट्स पकड़ ले, मुन्ना भाई सीरीज पकड़ ले, लास्ट उनका जो मूवी था संजू पकड़ ले, सबके सब ब्लॉकबस्टर। तो आप बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने शाहरुख खान के साथ ये मूवी बनाई तो जरूर है ब्लॉकबस्टर होगी, और ये कन्फर्म न्यूज़ है। राजकुमार हिरानी भी ये कन्फर्म किया है कि वो शाहरुख खान के साथ मूवी बना रहे हैं। और आप देखेंगे दोस्तों तो राजकुमार हिरानी शाहरुख खान के साथ सबसे पहला मूवी मुन्ना भाई उनको दिमाग में रख के बनाया था, बट किन्हीं कारणों से शाहरुख खान वो मूवी नहीं कर पाए और वो मूवी संजय दत्त को चली गई। तो राजकुमार हिरानी को बहुत पसंद है शाहरुख खान, और तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कोलैबोरेशन ज़बरदस्त रहेगा। एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि इसके राइटर्स सेम अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों होंगे, तो आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक यूनिक स्टोरी, यूनिक स्क्रिप्टिंग देखने मिलेगी, ज़बरदस्त गाने होंगे, कुछ कॉमेडी सीन्स, इमोशनल ट्विस्ट होंगे, बहुत अच्छी होनी चाहिए ये मूवी। मेरे को तो लग रहा है अगर ये मूवी बनी कन्फर्म ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वो साल की सबसे बड़ी मूवी यही होगी। लिस्ट में अगला नाम ये है कि शाहरुख खान शायद राज एंड डीके के साथ मूवी बना सकते हैं। राज एंड डीके दोस्तों आपको याद होगा, उन्होंने गो गोवा गॉन और सबसे यूनिक स्टोरी लास्ट ईयर की जो थी स्त्री, उसका डायरेक्शन किया था, और द फैमिली मैन अमेजन में एक जो वेब सीरीज आई थी जो सबसे मोस्ट लाइक्ड वेब सीरीज बनी थी, उसका भी डायरेक्शन उन्होंने किया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन भी बहुत कमाल की होगी उनका कोलैबोरेशन, और कहा जा रहा है कि ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी होगी, तो हम होप कर सकते हैं कि ये भी एक हमको ब्लॉकबस्टर मूवी देखने मिले। लिस्ट में अगला नाम दोस्तों ये है कि अगर आपको मालूम नहीं होगा, तमिल के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं अतली नाम से, उनका हर मूवी ज़्यादातर ब्लॉकबस्टर जो रहा है, और वो ज़्यादातर उनकी जो लास्ट मूवीज थी वो सुपरस्टार विजय के साथ ही उन्होंने काम किया था, वो जैसे थेरी, मर्सल, पिजिल, ऐसा ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ उन्होंने काम किया था। तो कहा जाता है कि वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा कि एक तमिल इंडस्ट्री के एक मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर, उसके साथ अगर आप शाहरुख खान काम कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये धमाका होने वाला है। ज़बरदस्त मास मूवी होगा, एक्शन थ्रिलर होगा, ज़बरदस्त हमें मास एंटरटेनमेंट मिलने वाला है मूवी। तो हम होप कर सकते हैं कि ये कोलैबोरेशन ज़बरदस्त रहेगा और हम फैंस को एक ज़बरदस्त मूवी मिले देखने के लिए। लिस्ट में जो अगला मूवी है वो है ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान एक कैमियो रोल प्ले करेंगे एक साइंटिस्ट का, जिसका डायरेक्शन अयान मुखर्जी करेंगे, और इसमें जो लीड एक्टर्स होंगे वो हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। इसका 3 पार्ट बनने वाला है, ट्रायलॉजी होगी ये, और बहुत हाई बजट की मूवी है, तो इसमें भी हम शाहरुख खान सर को देख सकते हैं। लिस्ट में जो अगला नाम है दोस्तों वो है डॉन 3। जी हाँ, डॉन 3। तो इसमें कहीं पे एक न्यूज़ आया था कि फरहान अख्तर ने कंफर्म किया था कि डॉन 3 बनने वाली है, और उसका नाम शायद डॉन 3 फाइनल चैप्टर होगी। इसमें कहा जा रहा है कि शायद प्रियंका चोपड़ा नहीं होगी, और कहीं से एक र्यूमर भी आया था कि शायद उनकी जगह कतरीना कैफ होंगे, और कहा जा रहा है ये फिर से एज यूजल एक्शन थ्रिलर होगी, और ये
फाइनल पार्ट होगी तो पूरा कंक्लूड करेगी ये सीरीज, और इसका डायरेक्शन फिर से फरहान अख्तर करेंगे, उसका लेखन भी वही कर रहे हैं। लिस्ट में जो अगला नाम है वो है विक्रम वेदा। विक्रम वेदा दोस्तों मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। ये तमिल में मूवी आई थी 2017 में, ये ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसमें आर माधवन और विजय सेतुपति ने काम किया था। विजय सेतुपति ने तो इसमें जो आइकॉनिक काम किया था, कल्ट था, मानो बहुत फेमस हो गए थे वो। तो मैं वो होप करता हूँ शायद वो विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो शाहरुख खान निभाएं और आर माधवन ही दिखे वही रोल में। ये जो कहानी है दोस्तों बेताल 25 पे आधारित है, तो बहुत अच्छा एक्शन ट्विस्ट है इसमें, जबरदस्त स्टोरी है, आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं तो बहुत एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये मूवी को लेके हूँ। अगर ये हिंदी में बनी तो ज़बरदस्त बनेगी, और मुझे लगता है शाहरुख खान जो ये जो रोल है विजय सेतुपति वाला, अगर वो किए तो बहुत अच्छी बनेगी। ये आप बोल सकते हैं थोड़ा सा उसमें नेगेटिव रोल है और थोड़ा पॉजिटिव भी है, ग्रे कैरेक्टर है जो एंड में आपको पसंद आने लगेगी। तो ये मैं बहुत होपफुल हूँ, अगर ये मूवी बनी तो बहुत अच्छी चलेगी, ये सब फैंस को बहुत मजा आएगी। लिस्ट में जो अगला नाम है वो है ऑपरेशन खुकरी। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन खुकरी। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान स्वदेश के बाद आशुतोष गुवास्टी के साथ ये मूवी बनाने वाले हैं। इसका बजट 100 करोड़ प्लस है, और कहा जा रहा है इसमें शाहरुख खान एक सोल्जर का रोल निभाएंगे। ये एक एक्शन मूवी होने वाली है। हमारे लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है रावण सीक्वल। जी हाँ दोस्तों, शायद उसका नाम जीवन हो सकता है, और ये अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट जितना सुनने में आ रहा है कि जैसा भी वो मूवी चला हो, रावण जो मूवी है शाहरुख खान के बहुत क्लोज है। उसमें जो VFX का काम हुआ था वो ज़बरदस्त हुआ था, मीन्स वो एक आप बोल सकते हैं इंडियन मूवी में वो रिवोल्यूशन लेके आया था उस टाइम। तो उनके साथ उनका बहुत अटैचमेंट है, तो मुझे ये लगता है कि रावण का जो सीक्वल है शायद उसका नाम जीवन होगा, वो फिर से बनेगा। और होप में हम लोग ये होप कर सकते हैं कि इसका स्टोरी बहुत अच्छा रहे ताकि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी बने। तो दोस्तों आपको ये लिस्ट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और तो हम और आप मिलके शाहरुख खान को ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं, उनको विश कर सकते हैं कि उनकी आने वाली सारी मूवी ब्लॉकबस्टर हो और हम दर्शकों को बहुत अच्छी से अच्छी मूवी देखने को मिले। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अलविदा, थैंक यू।